Okay, students, so let's start today's class. We were drawing ray diagrams, or usme jo hai wo, I think we have done a number of ray diagrams. Abhi jo hai wo, I think last ray diagram hamari yahan pe reh gayi hai, so we will be drawing that diagram, aur uske baad hum continue karte hain apne next topic ke saath. What do we have in this diagram? In this diagram, I think maybe shayad aapki diagram number 6 hogi. Isme kya hai ki object is between F and ओ, ठीक है. ऑब्जेक्ट जो आपका वो एफ और ओ के बीच में है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ, देन इट इन दैट सिचुएशन जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगी उसको भी हम इसमें देखते हैं. सबसे पहले जो मैंने बताया था कि यू हैव टू डू द सेम थिंग, यू विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन. ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा. देन यू विल बी ड्रॉइंग अ वर्टिकल लाइन ऑन योर ग्राफ पेपर. ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन विल बी रिप्रेजेंटिंग द लेंथ. और इस लाइन में जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे दैट दिस इज योर लेंथ. ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो आपके ये आपका लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है. उसके बाद आई टोल्ड यू कि हमने जो है वो फोकल पॉइंट मार्क करने होते हैं बोथ साइड्स पे. सो यू विल बी मार्किंग फोकल पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, इसमें ना जरा कोशिश कीजिएगा कि आपके जो फोकल पॉइंट है वो आपको जो है वो प्रॉपरली मार्क हो, क्योंकि इसमें जो इमेज आपके वो पीछे बनेगा ऑब्जेक्ट के. सो आई विल बी मेकिंग, लेट्स सपोज कि मैंने आपको बताया था कि यू विल टेक 3 बॉक्सेस प्रॉपरली मेजरमेंट करके. यू विल टेक 3 बॉक्सेस ऑन दिस साइड एंड यू विल टेक 3 बॉक्सेस ऑन दिस साइड एंड देन यू विल राइट डाउन एफ हियर. दिस एफ विल शो दैट दिस इज योर फोकल पॉइंट. तो यहाँ पे आपके जो है वो लेंस के दो फोकल पॉइंट होते हैं, तो आपने दोनों जो इसके फोकल पॉइंट्स हैं उनको आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है. देन यू विल ड्रॉ योर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए आई टोल्ड यू कि यू विल बी ड्रॉइंग ए नैरो. आप एक एरो ड्रॉ करते हैं. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ. ठीक है, तो दिस इज योर एफ. ये आपको जो एफ मैंने लिखा है ये आपका एफ पॉइंट कहलाता है. एंड दिस ओ इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज दैट पॉइंट इन अ लेंस कि जिस पॉइंट के अंदर जाओ आपका सारी आपकी जो मतलब के सेंटर ऑफ द लेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर फोकल, दैट इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल सेंटर. तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं. सो नाउ वी विल बी ड्राइंग द रे डायग्राम. ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करना है बिटवीन एफ एंड ओ. तो यू कैन प्लेस योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर. सो आई विल बी प्लेसिंग माई ऑब्जेक्ट हियर. ठीक है, यू कैन प्लेस योर ऑब्जेक्ट एनीवेयर. तो मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ रख दिया. एंड आई टोल्ड यू कि जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं उसकी जो हाइट है वो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द होनी चाहिए. 2/3 ऑफ जो भी आपका मतलब कि हाइट है इसकी लेंस की, उतना जो है वो आपका इसकी इसकी हाइट इसकी जो आपकी वो होनी चाहिए. ओके, ये आपने ड्रॉ कर लिया. उसके बाद व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी ड्रॉइंग एन एरो हेड. इसके ऊपर आप जो है वो एरो हेड शो करेंगे, ड्रॉ करेंगे. दिस एरो हेड विल शो, दिस एरो हेड विल शो कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है. देन यू विल फॉलो योर रूल्स. जो हमारे रूल्स से हम उन रूल्स को अपने फॉलो करेंगे. रूल नंबर 1 आपका क्या था कि रे फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, आपने इसके हेड से एक रे ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली. दिस रे विल पास टू द फोकल पॉइंट. तो इस रे को आपने क्या किया, फोकल पॉइंट से इसे को आपने फोकल पॉइंट से पास करवाया. तो दैट वॉज योर रूल नंबर 1. ये आपका रूल नंबर 1 था. रूल नंबर 2 क्या था आपका, रूल नंबर 2 ये था कि आपके जो ऑब्जेक्ट का हेड है, ऑब्जेक्ट के हेड से आपकी एक रे निकलेगी एंड दिस रे विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल गो स्ट्रेट थ्रू. और ये जो रे आपकी बिल्कुल सीधी चली जाएगी. तो ये आपने दो रेज अपनी जो है वो यहाँ पे प्लॉट कर दी है. ये दो रेज है आपके पास, दीज आर द 2 रेज जो कि आपने अपने दोनों रूल जो है फॉलो करके फॉलो कर. अब यू कैन सी कि ये दोनों रेज आपके दे विल नेवर मीट व्हेन इफ दे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड. इन दोनों रेज को आप एक्सटेंड फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपकी कभी भी जाके मीट नहीं करेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सटेंड दीज रेज बैकवर्ड. इन दोनों रेज को आप जो वो बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे. ओके, सो यू विल एक्सटेंड दीज 2 रेज बैकवर्ड. और बैकवर्ड जब भी आप एक्सटेंड करेंगे तो यू विल एक्सटेंड देम स्ट्रेट. ठीक है, बिल्कुल आपने जो वो स्ट्रेट इन दोनों रेज को जब आप बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस, यू विल एक्सटेंडेड टू वट एवर लेंथ यू लाइक टू. उसको आपने बैकवर्ड एक्सटेंड कर लिया. सेकेंड रे थी आपकी, सेकेंड रे को भी आपने बैकवर्ड एक्सटेंड कर लिया. वैन यू एक्सटेंड दीज 2 रेज बैकवर्ड्स
तो ये दोनों रेज जो आपके दीज टू रेज विल मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये जो आपने इन रेज को आपने बैकवर्ड एक्सटेंड किया है, दीज आर बेसिकली वर्चुअल रेज, ये आपकी वर्चुअल रेज है। तो ये जो आपकी रेज होगी, दीज रेज विल बी ड्रॉन डॉटेड, इन रेज को जब वो डॉटेड ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ये आपका एक्चुअल पाथ नहीं है जो रेज फॉलो कर रही है, बल्कि ये आपका सिर्फ इमेजनरी पाथ है जो आपके जो आपने इमेज की लोकेशन जो है वो ऑब्टेन करने के लिए बैकवर्ड इनको एक्सटेंड किया था। अच्छा ये देखें, ये बोथ दीज रोज विल मीट रेज विल मीट एट अ पॉइंट, जिस पॉइंट पे दोनों रेज आपकी आके मीट करेगी, एट दिस पॉइंट योर इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है। तो इस जगह पर आपको जो इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म होगा, यू कैन ईजली यू नो, ये आपका जो वो इमेज है, ठीक है। तो इसको मैं अगर मेंशन करूँ तो दिस इज वॉज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट था एंड दिस वॉज द इमेज फॉर्म्ड हियर, ठीक है। तो ये आपने रे डायग्राम ड्रॉ कर ली है यूजिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्पेस बिटवीन एफ एंड ओ। अच्छा, और इस को आप देखेंगे कि यू विल सी दिस इमेज फ्रॉम दिस लोकेशन, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लोकेशन बनाई है, इस लोकेशन से यू विल बी सीइंग दिस इमेज, योर आई शुड बी केप्ट एट दिस पोजिशन, आप आई को जो है वो इस पोजिशन पर रखेंगे, और इस पोजिशन में जब आप अपनी आई को रखेंगे देन यू विल बी एबल टू सी यू नो दिस इमेज, इस इमेज को आप जो है वो यहाँ से बैठ के मतलब आपके देख रहे होंगे। सो दिस इज हाउ इमेज इज फॉर्म इन दिस रे डायग्राम। अभी जो आपके यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, इस दिस इमेज विल बी हैविंग यू नो सब प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी एंड वॉट आर दोज प्रॉपर्टीज, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, व्हाट आर इमेज प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आपकी इमेज की, योर इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, ठीक है। आपको जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि ये जो आपकी दो जो दो आपकी रेज थी जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही थी, दोज रेज इटसेल्फ कैन हैव नॉट यू नो इंटरसेक्टेड एट अ पॉइंट, बल्कि आपने वर्चुअली इन रेज को जो वो बैकवर्ड एक्सटेंड करके इनको आपस में इंटरसेक्ट करवाया है। सो दैट्स व्हाई ये जो आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस विल बी अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज आपका वो है जो कि जिसको कि सिर्फ आप देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी दैट इमेज, दिस इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन के ऊपर आप इस इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल इमेज, वो आपका वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो ये जो आपका इमेज यहाँ पे आपको फॉर्म हो रहा है, दैट इज बेसिकली अ वर्चुअल इमेज, बिकॉज ये दिस इमेज कैन बी सीन फ्रॉम द यू नो, और ये इमेज आप देखेंगे उसी साइड पे जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ये सिर्फ आपको नजर आ रहा होगा। आप जैसे ही मतलब ये हटा देंगे लेंस को, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस थिंग, तो ये आपका इमेज होता है वर्चुअल इमेज होता है। सेकेंड, इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होगी, द इमेज विल बी अपराइट, ठीक है, इमेज आपका अपराइट है। अपराइट से क्या होगा, यू कैन सी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है, बोथ ऑफ देम हैव द सेम ओरिएंटेशन, इन दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, दोनों का जो टेल है वो नीचे की तरफ है और दोनों का जो हेड है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स। सो इसका मतलब ये होगा, ये जो आपका यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट इमेज इज अपराइट इमेज, इमेज आपको जो अपराइट इमेज है, तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्मेशन हियर। थर्ड प्रॉपर्टी इमेज की, इमेज जो आपका दैट इज मैग्निफाइड, ठीक है। यू कैन सी कि जो इमेज का जो साइज है, दैट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा हो, देन वी कॉल इट अ मैग्नीफाइड इमेज, जिसको हम जब मैग्नीफाइड इमेज कहते हैं। तो यू कैन इजीली सी कि इस डायग्राम से आपको ये भी आइडिया हो गया कि आपको जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इमेज इज मैग्नीफाइड इमेज, तो इमेज आपको जो मैग्नीफाइड इमेज होगा। देन वी हैव ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस इमेज डिस्टेंस एज वेल। इमेज डिस्टेंस की अगर आप बात करें, तो इमेज जो आपको दैट इज फॉर्म बिहाइंड, यू कैन से कि आपके ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वी, दैट विल बी ग्रेटर देन एफ विच इज योर फोकल लेंथ, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमेज, दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज जो आपका है वो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरह बनेगा, और मतलब यही है इसकी प्रॉपर्टी। अच्छा, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, वेयर डू वी यूज दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपकी बन रही होती है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, ठीक है। दिस डायग्राम जो कि अभी मैंने आपके सामने बोर्ड आपको नजर आ रही है, ये डायग्राम आपकी होती है, दिस डायग्राम इज फॉर्म्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास, आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट नो के बाद मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को बड़ा करके देख रहे होते हैं,
यूजली जो है वो कुछ लोग जो होते हैं जो कि मतलब के रीडिंग करते हैं, तो रीडिंग करने के लिए दे यूज दीज मैग्नीफाइंग ग्लासेस, और दीज मैग्नीफाइंग ग्लासेस तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हैं, जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनको जो है वो बड़ा करके जो व्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके अलावा अगर आप किसी को अपने मतलब के हाथ की लकीरें दिखाने के लिए जाते हैं, तो वो जो आपका हाथ चेक करते हैं, तो उसके बाद इस तरह का जो है मैग्नीफाइंग ग्लास आपका होता है, जिसके जरिए जो है वो आपके चीज़ों को जो मतलब के मैग्नीफाई करके देख रहा होता है। दिस मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, आपको जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। दिस इज योर सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप जो कि आपका यूज होता है। जो माइक्रोस्कोप आपका बायोलैब में वगैरह होता है, दैट इज कॉल्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है क्योंकि उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन वन कन्वेक्स लेंसेज जो आपके वो यूज हो रहे होते हैं, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन ये जो माइक्रो डायग्राम आपके सामने बनाएंगे, दैट इज मिस डायग्राम ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये आपको जो है सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाता है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, दैट ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड यू कैन से के ओ, ठीक है, फोकल लेंथ के दरमियान, और जो आपका लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है उसके दरमियान आपने जब इमेज को अपने प्लेस करना होता है। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर। ओके, सो लेट्स ये डायग्राम भी बेटा ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये भी आपने ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर के ऊपर, और इसकी जो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, यू हैव टू राइट ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, यू हैव टू राइट ऑन द डिस्टेंस कि इमेज आपका वो कहाँ पे फॉर्म होगा, एंड फ्रॉम दिस डायग्राम नॉर्मली आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, विदाउट ड्राइंग अ डायग्राम यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा। तो विदाउट ड्राइंग अ डायग्राम इमेज कहाँ पे बनेगा, उसके लिए आई हैव मेंशन द इमेज डिस्टेंस। मैंने आपको बताया कि इमेज डिस्टेंस जो आपका वो यहाँ पे बनता है, छह डायग्राम आपने किए हैं, और हर डायग्राम में इमेज की जो लोकेशन है वो स्पेसिफाइड लोकेशन है। इमेज जो आपके वो एक स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर बनेगा, उसके अलावा इमेज कैन नॉट बी फॉर्म एनी वेयर एल्स। तो दिस इज हाउ दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रे डायग्राम्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके दैट इज योर एप्लीकेशंस ऑफ दीज लेंसेस। ठीक है, जितने भी आपने रे डायग्राम अभी तक अभी किए हैं, ऑल दीज रे डायग्राम्स हैव सम एप्लीकेशन इन योर नॉर्मल डे लाइफ। तो वो जो एप्लीकेशन है उसकी वो कौन कौन सी उसकी एप्लीकेशन है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे इसकी जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टडी कि आपको ये जो एप्लीकेशन लेंसेज हैं, दीज लेंसेज आर यूज इन माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, इन लेंसेज को हम जो माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, द सेम लेंसेज आर यूज इन टेलीस्कोप्स, इनको हम टेलीस्कोप्स में यूज करते हैं, दीज लेंसेज आर यूज इन कैमरा। ठीक है, कैमरा में आपका यूज हो रहा होता है, इवन आपका जो मोबाइल कैमरा होता है उस मोबाइल कैमरा में भी आपका ये लेंस जो होता है वो आपका यूज हो रहा होता है, लेकिन उसका जो साइज है आपका काफी छोटा होता है, तो वो चीज़ों को जब आपको मतलब कि इतना ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता, या फिर यू कैन से कि आपका जो मोबाइल कैमरा होता है वो अगर उसके जरिए आप किसी बहुत ही फार्देस्ट ऑब्जेक्ट की इमेज लेना चाहोगे तो वो आपको जो उसके उससे पॉसिबल नहीं होगा। तो फॉर द टेकिंग इमेज ऑफ फार्देस्ट ऑब्जेक्ट यू विल बी रिक्वायर डी एस एल आर, और उसके साथ जो आपके एक्सटेंशन कैमरा लेंसेज होते हैं वो आप एक्सटेंशन लेंसेज लगा के यू कैन टेक इमेज ऑफ यू नो जो भी आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, आप बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का भी आप इमेज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेंस के सामने क्या करेंगे, आपको लेंसेज जो वो लगाने पड़ेंगे, सेटअप लेंसेज लगाने पड़ेंगे कैमरा के आगे। तो दिस कैमरा इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ दीज लेंसेज। इसके अलावा वी हैव अ प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर भी आप सब लोगों ने देखा होगा, प्रोजेक्टर जो आपका होता है वो भी किसी स्क्रीन के ऊपर किसी चीज को मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं। अगर आपने कोई मूवी देख रहे हैं, कोई आपने स्लाइड शो जो है वो चलानी है, कोई आप मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का नॉर्मली काफी होता है, तो ये जो चीज़ें आपके दी स्क्रीन आर थिंग्स आर यू नो रिप्रेजेंटेड ऑन अ प्रोजेक्टर, तो वो प्रोजेक्टर आप नॉर्मली लगाते हैं जो कि आपका जो है वो ईजिली जो है वो इमेज को प्रोजेक्ट करता है, और उसमें भी आपका ये लेंसेज जो आपके होते हैं वो यूज हो रहे होते हैं। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव फोटो इनलार्जर। सर आंखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा फोटो इनलार्जर्स होते हैं,
जो कि हमारी जो पिक्चर्स होती है नॉर्मली जब हम तस्वीर खिंचवाते हैं तो वो आपकी डिजिटल फॉर्म में होती है या फिर आपकी जो वो यू कैन से के नेगेटिव फॉर्म में होती है। नेगेटिव आपने देखा होगा पुराने जमाने में आपको जो कैमरा होते थे उनमें एक रील डलती थी जो कि आपकी फोटोग्राफी रील कहलाती थी, फोटोग्राफी फिल्म कहलाती थी। उसको क्या कहते थे, पहले डेवलप करवाया जाता था तो इमेज जो भी होता था वो उस इमेज उसके ऊपर सेव होता था, उस इमेज को फिर आपको प्रिंट करवाना पड़ता था। तो वो इमेज आप प्रिंट करवाते थे वो करवाने के लिए जाना हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फोटो इनलार्जर, यानी कि यू कैन प्रिंट दैट इमेज इन एनी साइज। आप वो इमेज है वो किसी भी साइज में प्रिंट करवा सकते हैं। आप चाहे तो आप जो है वो अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवा लें, आप चाहे तो आप जो है वो वन बाय वन की तस्वीर बना लें, आप चाहे तो अपनी जो है वो एक 6x6 का बड़ा सा पोर्ट्रेट बना लें, तो यू कैन से आप जो है वो किसी भी तरीके की प्रिंट तस्वीर जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड आवर फोटो इनलार्जर, वो हमारी फोटो इनलार्जर कहलाती है। इसके अलावा वी हैव ह्यूमन आई, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन आई होती है दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ दीज लेंसेज। जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो भी हमें नज़र आती हैं बिकॉज ऑफ दीज लेंसेज। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इसकी एप्लीकेशन हैं लेंसेज की। इन एप्लीकेशन को जो है वो बेसिकली वी विल बी यू नो स्टडिंग दीज एप्लीकेशन। इसको हम पढ़ेंगे कि हमारे जो एप्लीकेशन में लेंसेज जो आपके वो किस तरीके से यूज होते हैं एंड वट एंड हाउ दे आर यूजिंग एंड हाउ दे आर फॉर्मिंग एन इमेज, फॉर्मिंग एन इमेज। सो पहली इसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम करते हैं अच्छा पहले हम तीसरी से स्टार्ट करते हैं, वी विल स्टार्ट विद कैमरा, क्योंकि जो पहली जो आपकी एप्लीकेशन है माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, या आपके सिलेबस में नहीं है। सो आई विल बी स्विचिंग एंड यू नो जम्पिंग टू थ्री कैमरा, कैमरा इज इन योर सिलेबस ऑफ वी विल जस्ट डू दिस कैमरा। तो कैमरा की मैंने एक डायग्राम ये सेव की हुई थी, सो लेट मी सी के वो डायग्राम कैमरा की कहाँ पर है। बहुत छोटा ही ओके कैमरा जो आपका होता है दैट इज जस्ट लाइक दिस, मेरे ख्याल से इसको मैं थोड़ा सा दिस इज बेसिकली हाउ कैमरा लुक्स लाइक। सबको कैमरा नजर आ रहा है? ओके इस कैमरा में कुछ पार्ट्स जो आपके यहाँ पे मेंशन किए हैं, दीज पार्ट्स आर बेसिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू कैन सी कि कैमरा में आपके पास जो है वो बेटा कैन यू सी मी, हेलो कैन एनी वन ऑफ यू हियर मी? नो सर we can't hear, sorry sir we can hear you but we can't see the image properly, image properly nazar nahi aa raha aapko abhi aa raha hai? Yes, can you see the image now? तो बेसिकली आपके कैमरे का एक इमेज है, ठीक है। इस कैमरे के इमेज में देर आर सडन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कैमरा जो कि बेसिकली यू शुड नो अबाउट दिस। और ये जो कैमरा किसी भी किस्म का आपका कैमरा हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आपका कैमरा हो, उसके अंदर जो ये कुछ पार्ट्स आप जो होते हैं जो कि नॉर्मली आपके होते हैं हर कैमरे के अंदर, ये आपके वो मेन पार्ट्स जो हर कैमरे के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी कैमरा हैज अ लेंस, ठीक है, हर कैमरे के पास अपना एक लेंस होता है, ठीक है, हर कैमरे के पास लेंस होता है।
ये जो लेंस आपका होता है, ये लेंस नॉर्मली तो कैमरे के अंदर एक तो लेंस आपका बिल्ट इन होता है, जो कि बिल्कुल कैमरे के साथ आपका बना हुआ आता है, जो कि आपका यू कैन नॉट ठीक है, उसको आप नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा आपके एक्सटेंशन लेंसेज भी आते हैं, जो कि आप अपने उसी लेंस के आगे फर्दर जो है वो लेंसेज लगाते हैं, एक्सटेंशन लेंसेज, ताकि आप जो है वो किसी दूर के ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई करते हो। दिस लेंस इज बेसिकली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ कैमरा। कैमरे के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर शटर। ठीक है, आपका एक शटर है, शटर बेसिकली आपकी जो एक यू कैन से कि आप एक आपका एक विंडो होती है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होती है, जो कि बिल्कुल बंद होती है आपकी विंडो। तो जब भी आप बटन को प्रेस करते हैं, जब भी आप कैमरा के ऊपर आप एक बटन होता है जो कि आपका पिक्चर कैप्चर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से होता है कि एक आपका जो शटर होता है वो बिल्कुल स्प्लिट सेकेंड के लिए जब आपका वो ओपन होता है, और जब वो शटर आपका ओपन होता है, इट अलाउज लाइट टू एंटर थ्रू द शटर, और लाइट जब आपके वो थ्रू द शटर जब आपकी लाइट एंटर होती है, तो एंटर होने के बाद वो जो लाइट आपकी होती है, दैट लाइट देन यू नो फॉर्म इमेज ऑन द स्क्रीन, जो भी आपकी स्क्रीन होती है स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेज फॉर्म होते हैं। अच्छा, पीछे जो आपके होते हैं शटर के पीछे, यू हैव सीसीडी। बेसिकली सीसीडी इज योर सेंसर, या आपका सेंसर होता है, लाइट सेंसर होते हैं जो कि लाइट को सेंस कर रहे होते हैं। ये आजकल के जो आपके जो डिजिटल कैमरा है उसमें नॉर्मली आपके लाइट सेंसर होते हैं जो कि पिक्चर को इमेज को कैप्चर करते हैं, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में आपका जो भी मेमोरी कार्ड होता है जो आप डालते हैं कैमरा में उसके अंदर उस स्टोर कर रहा होता है। लेकिन जो नॉर्मली पुराने जमाने के आपके कैमरा होते थे, उन पुराने जमाने के कैमरा में इंस्टेड ऑफ सीसीडी हियर दे हैव फोटोग्राफिक फिल्म, उनके पास जो है फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, और वो जो फोटोग्राफिक फिल्म आपकी होती थी, वो फोटोग्राफिक फिल्म जो आपकी होती थी, दैट फोटोग्राफिक फिल्म इज बेसिकली यूज टू कैप्चर द इमेज। तो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, जो कि आप यूज करते हैं, और यू कैन से सीसीडी आपका होता है। देन वी हैव दिस अपर्चर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक अपर्चर होता है, दिस अपर्चर इज ऑल्सो कॉल्ड डायफार्म एज वेल। ये अपर्चर जो हमारा होता है इसको हम डायफार्म भी कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन के जो नॉर्मली अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं तो दे कैन डू दिस के वो जो है वो सिर्फ आपका जो इमेज होता है वो आपको जो है वो क्लियर होता है, और जितना भी बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को वो ब्लर कर देते हैं, और दे कैन डू एनी यू नो एनी टाइप ऑफ थिंग्स विद दिस थिंग। तो वो जो अपर्चर बेसिकली होता है, दैट अपर्चर इज द थिंग जो कि इस चीज को मतलब कि कैलकुलेट करती है। बेसिकली अपर्चर जो होता है दैट इज कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द कैमरा। जो हमारे पास कैमरा होते हैं दे हैव बेसिकली ऑटोमेटिक अपर्चर सेटिंग, उनकी जो अपर्चर की सेटिंग होती है वो नॉर्मली ऑटोमेटिक होती है, लेकिन यू कैन एडजस्ट दिस मैनुअली एज वेल। आप उसको जो मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपके प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं दे यूजली प्रेफर सेटिंग द अपर्चर मैनुअली, तो वो अपर्चर को मैनुअली जो सेट करते हैं, बेसिकली दे हैव लाइट मीटर, उनके पास एक मीटर होता है जो कि डिटेक्ट कर रहा होता है कि कितनी जो है वो लाइट है। मस्ट हैव सीन के जो होते हैं वो जगह जगह जो मूव कर रहे होते हैं, एक सेंसर टाइप की चीज होती है जिससे वो डिटेक्ट करते हैं लाइट यहाँ पे सही है, लाइट यहाँ पे ज्यादा, तो अपर्चर का साइज ये होना चाहिए, अपर्चर चाहिए। तो बेसिकली कुछ आपके जो प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो अपर्चर के साइज को जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, दे आर चेंज करके दे आर टेकिंग सम पिक्चर्स। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपर्चर के साइज को आप ऑटोमेटिकली फिक्स करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो अपर्चर होता है वो आपको ऑटोमेटिक के ऊपर फिक्स होता है, दैट यू कैन नॉट चेंज द अपर्चर सेटिंग। ऑटोमेटिकली जो कैमरा होता है वो अपर्चर को फिक्स कर रहा होता है, ये चेंज कर रहा होता है। सो दिस इज बेसिकली द मेन पार्ट्स ऑफ अ लेंस। अब लेंस में विजिट होता है जी सर, मोबाइल कैमरा में भी ऐसी होता है जी। जी मोबाइल कैमरा में भी आपका ऐसा होता है, मोबाइल कैमरा यही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इट आल्सो हैज द सेम यू नो पार्ट्स, उसमें भी लेंस आपका होता है, उसमें भी आपका शटर, बेसिकली आपका फिजिकल शटर नहीं होता, लेकिन आपको जो होता है वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड शटर आपका होता है उसके अंदर, एंड यू हैव द सेम जो भी आपका सेंसर वगैरह होते हैं आपके होते हैं जो कि इमेज को कैप्चर कर रहे होते हैं जी। ठीक है, क्लियर हो गया अली? नो यस। ओके, इसमें आपका बेटा ये लेंस होता है आपका सामने लगा हुआ, ये जो लेंस होता है दिस लेंस कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, ये जो लेंस आपको होता है दिस लेंस कैन बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और इस लेंस को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते सो दैट द इमेज कैन बी फोकस्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आपको ये जो पीछे सीसीडी लगा हुआ है, जो पीछे आपकी स्क्रीन लगी हुई है, इस स्क्रीन पे इमेज को फोकस करने के लिए जो लेंस आपको होता है, उस लेंस की जो लेंस जो होता है वो दिस लेंस कैन बी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आपने देखा अगर आप ऑटोमेटिक कैमरा अगर आप डीएसएलआर ले रहे हैं और डीएसएलआर से अगर आप किसी की फोटोग्राफ खींचते हैं तो उस फोटोग्राफ में बेसिकली होता ही है कि जो लेंस आपका होता है वो ऑटोमेटिकली जब वो खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर रहा था आगे और पीछे,
तो वो जो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, सो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली इट्स ट्राइंग टू फोकस द इमेज ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे इमेज को फोकस कर रहा होता है ताकि आपको जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर हो और शार्प इमेज आपको जो फॉर्म हो। तो जो क्लियर और शार्प इमेज आपका फॉर्म होता है, दैट क्लियर एंड शार्प इमेज इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस लेंस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर आपने करीब की चीज़ को देखना है तो उसके लिए जो वो आपके लेंस की पोजीशन कुछ और होगी, अगर आप दूर की किसी ऑब्जेक्ट का इमेज की जो है वो कैप्चर करना चाहें तो उसकी जो पोजीशन होगी आपकी वो डिफरेंट होगी। यानी कि यू कैन से कि आपको जो कैमरा होता है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, इट कैन नॉट फोकस ऑन यू नो मल्टीपल थिंग्स। अगर आपके जो वो दो चीज़ें अगर आप मतलब अगर आप फ्रंट पे फोकस करेंगे तो आपको जो बैकवर्ड अच्छे कैमरे जो होते हैं वो अगर किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो जो बैकवर्ड उसका जो बैकग्राउंड होता है उस बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली जब वो नॉर्मली ब्लर आपको हो जाता है, तो वो जो ब्लर आपको होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लेंस की पोजीशन। तो ये जो लेंस की आपकी पोजीशन है दैट लेंस पोजीशन कैन बी मूव कैन बी दिस लेंस कैन बी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इट कैन बी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जस्ट टू फोकस द इमेज ऑन द लेंस टू सॉरी फोकस द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो वो फोकस करें आप इस लेंस को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं। शटर जॉब को होता है जब वेन द बटन इज प्रेस्ड, तो शटर जॉब को होता है वो क्विकली से ओपन होते हैं, अलाउज द लाइट टू फ्लो थ्रू द ओपनिंग, लाइट आपकी जब ओपनिंग के अंदर से फ्लो करती है एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द ओपनिंग इट विल स्ट्राइक द फोटोग्राफिक फिल्म, वो फोटोग्राफिक फिल्म को हिट करेगा या फिर आपको जो भी सीसीटीवी आपका पीछे लगा हुआ है, जो लेंस आपका जो सेंसर लगा हुआ है उस सेंसर के ऊपर आपका ये जो लाइट है वो आपकी स्ट्राइक करेगी और फिर जो भी आपका इमेज होगा जिसकी आप तस्वीर ले रहे हैं वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो आपका उस इमेज की फॉर्म में उस स्क्रीन के ऊपर जब आपका कैप्चर हो जाएगा उसको प्रिंट कर लेगा। तो ये यहाँ पे जो आपका जो इमेज फॉर्म होता है दैट इमेज इज बेसिकली रियल इमेज, आपका रियल इमेज जो यहाँ पे बन रहा होता है क्योंकि इमेज जो आपका दैट इमेज इज बीइंग कैप्चर्ड और वो इमेज आप फिर बाद में प्रिंट भी करवा सकते हो, आप बाद में व्यू भी कर सकते हो। तो दिस इज दैट्स व्हाई जो इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इमेज इज योर वर्चुअल इमेज, वो इमेज आपका वर्चुअल इमेज होता है। जो आपका दूसरा इमेज होता है दैट इज बेसिकली योर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज को सिर्फ आप देख सकते हैं लेकिन आपको जो रियल इमेज होता है दैट कैन बी कैप्चर्ड। तो यहाँ जो इमेज आपका फॉर्म हो रहा है दैट इज बेसिकली योर रियल इमेज। दूसरा यू मस्ट हैव आल्सो नोटिस इन दिस डायग्राम एज वेल कि जो ऑब्जेक्ट आपका होता है दैट इज स्टिल, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सीधा है लेकिन इसका इमेज फॉर्म हो रहा है इमेज आपका इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इमेज आपका फॉर्म हो रहा है वो इमेज आपका यहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इमेज आपका कैमरा फॉर्म करता है वो इमेज आपका रियल इमेज होता है, वो जो इमेज आपका कैमरा फॉर्म करता है वो इमेज आपका इन्वर्टेड इमेज होता है और जो इमेज आपका कैमरा जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो इमेज आपको जो होता है वो डैश इज ऑल्सो डिमिनिश्ड एज वेल। तो इमेज की अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखें कि जो लेंस इमेज फॉर्म कर रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी आप यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज यू कैन इजीली यू नो रिप्रेजेंट, यू कैन इजीली मेंशन दोस थ्री प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर दोस थ्री प्रॉपर्टीज। नंबर वन, इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इमेज इज अ रियल इमेज, इमेज आपका रियल इमेज है, इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज आपका उल्टा है, इन्वर्टेड इमेज है। एंड द थर्ड थिंग इज दिस कि आपको जो इमेज होता है दैट इमेज विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आपको जो इमेज है दैट इमेज इज ऑल्सो डिमिनिश्ड इमेज इन दिस सिचुएशन एज वेल। सो दीज आर द बेसिकली द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज जो कि आपके यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज योर कैमरा। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कैमरा? ठीक है, तो कैमरे की जो इमेज की फॉर्मेशन है वो इमेज फॉर्मेशन आप देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन आपने बेसिकली ऐसे करनी पड़ेगी जैसे कि आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आईफल टावर। जी जी ले दी सर। जी सर, वो जो ये जो मेगापिक्सल होता है ये कहाँ पे कैमरा पे फिर वर्क करता है, क्योंकि जब लेंसेज भी होते हैं तो मेगापिक्सल का क्या काम होता है? देखो बेटा, मेगापिक्सल जो आपको होता है वो सेंसर का होता है जो कि उसको कैप्चर कर रहा होता है, इसमें लेंस में इसका कोई चक्कर नहीं होता नॉर्मली। आपको शायद सुना होगा आपने कि यू नो हाउ मच मेगापिक्सल इज योर आई सर? 568। हाँ, इतने मेगापिक्सल आपकी आई का है। एंड द स्मार्टेस्ट कैमरा, द एडवांस्ड कैमरा जो कि आपने देखा है उसके कितने मेगापिक्सल होते हैं सर? 143 तक गया हुआ है अभी तक। 143 तक गया हुआ है ना, तो यू कैन से कितना कितना डिफरेंस है। एंड व्हाट इज पिक्सल कंप्यूटर के बच्चे, आई थिंक यू नो व्हाट पिक्सल इज। जी जी सर, वो पता है। ठीक है ठीक है, मतलब लेंस से तो कोई उसका मतलब लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं उसका। ताल्लुक है आपका जो स्क्रीन है जिस पे कि आप इमेज कैप्चर कर रहे हो उससे उसका, यानी कि आप इमेज को मैग्नीफाई करते जाते हो, बड़ा करते जा रहे हो ना, तो वो इमेज की तस्वीर आपकी फटी पड़ती नहीं है और उसमें छोटे छोटे आपको डॉट नजर आ रहे होते हैं, बेहतर मेंटेन रहती है। यस, उसको मेंटेन करें, दैट इज कॉल्ड बेसिकली पिक्सल, वो आपका पिक्सल कहलाता है।
अगर आप देखें तो आप किसी भी चीज को देखें तो आपकी यू कैन सी दैट इमेज क्लियरली, आपकी आंखों इतनी बड़ी आपकी, मतलब ये अल्लाह ने आपको नेमत दी है कि आप इजीली जाओ हर चीज को देख सकते हैं, आपको चीज उसमें डब्बे डब्बे स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस आपको नजर नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर आप कोई डिजिटल पिक्चर लेंगे, अगर आप ये लो क्वालिटी की पिक्चर होगी तो आपने उसको डब्बे आपको नजर आ रहे होंगे, वो तो डब्बे आपको नजर है, इसका मतलब दैट इज अ लो क्वालिटी पिक्चर हैविंग लेसर यू नो पिक्सल्स। लेकिन आप जैसे पिक्सल बढ़ा देंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो और ज्यादा शार्प और ज्यादा क्लियर आपकी हो जाएगी। तो ये पिक्चर की शार्पनेस और क्लियरनेस के लिए जो है पिक्सल्स के बढ़ाते हैं इसमें। ओके, इमेज फॉर्मेशन में जो रे डायग्राम है, दिस रे डायग्राम इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये रे डायग्राम आपकी इंपॉर्टेंट है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो मैं इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूँ उसमें आई एम फॉलोइंग द रूल्स, मैं जो अपने जो मेरे दो रूल्स हैं उन रूल्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप देखें अपनी रे नंबर वन, ठीक है, तो दैट इज योर रे नंबर वन, जस्ट फोकस ऑन दिस रे नंबर वन, दिस रे नंबर वन, दिस रे नंबर वन इज कमिंग पैरेलल, ठीक है, ये आपकी पैरेलल प्रिंसिपल है इसके। After passing through the lens, it will pass through a point. ये एक point से pass कर रही है। ये जो आपका point है, this point is called its focal point. ये point आपका इसका focal point कहलाता है। And it will go straight to the focal point यहाँ पे आके meet करके यहाँ पे, ठीक है। Similarly, इसके object के जो आपका जो tail है या you can say के bottom है, वहाँ से एक ray of light आपकी आ रही है। This ray of light is also parallel. After passing through, it will meet the, pass through the same you know, focal point. And it will meet at a point और ये इस point पे आके आपकी meet कर जाएगी। सेकेंड रे जो आपकी थी, दैट सेकेंड रे इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये जो आपका सेकेंड रे है, दिस इज योर सेकेंड रे, यू कैन सी दिस रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, ये जो लेंस आपकी लेंस के सेंटर से पास कर रही है, इट इज नॉट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, बल्कि ये बिल्कुल सीधी जा रही है, इट इज गोइंग स्ट्रेट थ्रू द लेंस। सो दिस इज ऑल्सो योर रूल जो कि अभी आप तक आपको यहाँ पढ़ते हैं, तो यू कैन इजली सी कि आप इन रूल्स को जब आप मतलब कि यू कैन से कि जब आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, देन आफ्टर फॉलोइंग दीज रूल्स यू विल सी कि आपको जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो आपका इमेज यहाँ पे उल्टा इन्वर्टेड इमेज आपका फॉर्म हो रहा है। अच्छा, इसमें जो रे डायग्राम होती है इसमें यू डोंट नो वेयर दिस एफ इज, ये जो एफ होता है दिस एफ इज नॉट नोन टू यू, आपको एफ नहीं पता होता। तो नॉर्मली कैमरा में अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कैमरे से आपको कहते हैं कि आपने इमेज की आपने रे डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो कैमरे से रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले लेट्स सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपका जो लेंस बना हुआ है और यहाँ पे आपकी स्क्रीन बनी है, ठीक है, बाकी चीजें मैं इसमें नहीं बना रहा, तो ये आपकी फिल्म है यहाँ पे। तो आपने अगर इसके इमेज फॉर्मेशन करनी तो उसके लिए क्या करें, आप यू विल फॉलो योर रूल फर्स्ट, ये वाला रूल आपने सबसे पहले फॉलो करना है कि आपने ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे लेनी है और वो बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी उसके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। लेट मी रीड्रॉ इट अगेन यूजिंग प्रॉपर डायग्राम। तो आपने एक ऑब्जेक्ट से एक हेड रे लेनी है जो कि आपके लेंस के सेंटर से बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, ये आपने पहली रे ये ड्रॉ करनी है। दूसरी आपने क्या ड्रॉ करनी है, एक रे आपने इसके बॉटम से लेनी है एंड दिस रे विल आल्सो मूव थ्रू द सेम पॉइंट एंड इट विल गो स्ट्रेट, तो बिल्कुल सीधी आपके यहाँ से गुजर जाएगी। ये दोनों रे आपके यहाँ से गुजर गई, उसके बाद जो थर्ड रे आपने लेनी है, थर्ड रे विल यू विल टेक लाइक दिस, थर्ड रे आपने यहाँ से लेनी है, इट विल यू नो लेंस पर आएगी और लेंस से पास करने के बाद इट विल मीट दिस पॉइंट एट दिस, जो भी आपको पहले आपने पॉइंट लिया था उस पॉइंट पे आके मीट करेगी। तो ये आपने इसी से ड्रॉ करने, यू विल टेक द फोर्थ लाइन रे फ्रॉम हियर, ये लेंस पर आएगी और लेंस से गुजरने के बाद आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल आल्सो मीट दिस पॉइंट, इस तरह मीट करेगी। तो ये दोनों रे जो आपने अभी ड्रॉ की हैं, ठीक है, ये जो दो रेज आपने बिल्कुल आखिर में ड्रॉ की हैं, ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों रेज जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ये दोनों रेज आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, दिस विल बी द पॉइंट विच विल बी द फोकल पॉइंट, ये पॉइंट आपका इसका फोकल पॉइंट कहता है। नॉर्मली कैमरा जो आपका होता है उसकी रे डायग्राम हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, पहले हम ये जो सेंटर वाली लाइन रेज होती हैं, फर्स्ट पहले हम ये वाली दो रेज ड्रॉ करते हैं एंड आफ्टर ड्राइंग दीज टू रेज हम इस रे को ड्रॉ करते हैं एंड वी विल मीट दैट रे एट द सेम पॉइंट जिस पॉइंट पे आपकी ये वाली पहली रे आगे मीट की होती है। सिमिलरली जो आपकी बॉटम रे होती है दैट बॉटम रे इज ऑल्सो यू नो पास एंड इट विल ऑल्सो यू नो थ्रू द सेंटर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये रे आपकी बिल्कुल सीधी हो, इट डजेंट कि आपकी रे बिल्कुल पैरेलल हो, इट्स नॉट नेसेसरी। कभी कभी होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो और वो पैरेलल नहीं आ रहा लेंस का साइज छोड़े, तो उसके लिए यू डोंट हैव टू यू नो आप सिंपली इसको टेढ़ा लें और टेढ़ा लाने के बाद उसको मीट करवा दें, लेकिन मीट आपने उसी पॉइंट पे करवाना है जिस पॉइंट पे आपकी जो पहली वाली रे आपकी जो गुजरी थी, ये रे आपकी जिस पॉइंट पे गई थी आपने उसी पॉइंट पे उसको जब मीट करवाना है इस रे को। सो जिस पॉइंट पे दोनों रे आप इंटरसेक्ट करेंगे यू विल बी हैविंग योर एफ हियर, ये आपको यहाँ पे अपना एफ मिल जाएगा और यूजली आपसे पेपर में जब क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग दिस देन दे विल बी आस्किंग अबाउट दिस एफ, आपसे कहा जाएगा कि आप बताओ कि जो एफ आपका है वो कितने सेंटीमीटर का है और एफ कहाँ पर है, तो एफ कहाँ पर है उसको आपने ऐसे फाइंड करना होता है। यू जस्ट फॉलो योर रूल्स
और आपने अपने रूल फॉलो करके आप जहाँ पे आपने ये जो भी रूल्स आपके मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर आपका दरमियान में अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी बना हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे हो रही है आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, यू कैन इजीली फाइंड योर एफ देयर, तो आपको वहाँ पे अपना एफ जो मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द रे डायग्राम ऑफ अ कैमरा इज बीइंग ड्रॉन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्टे, अदरवाइज द क्लास इज ओवर, यू कैन लीव नाउ।